फर्स्ट ब्लड ड्रॉ करते हुए हमारे सोल मॉर्टल नमन माथुर यहाँ पे एंड वहां पे मेगा की टीम आ चुकी है रॉड फाइट को। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से मॉर्टल ने फिनिश ऑफ किया था रॉड फाइट को फर्स्ट किल लेते हुए टीम सोल। एंड यहाँ पे मेगा के लिए एक सेटबैक, मेगा हर गेम अपने एक प्लेयर को अर्ली खो बैठ रहे हैं। एंड वहां पर बीटीआर और मेगा दोनों, यहां पर तीन टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट ले रही हैं। एंड विला के ऊपर तो एक दिवाली हो रही है जो कि मैं कह रहा था टीम को, इसने वहां पर C9 के अगेंस्ट फाइट लेनी शुरू कर दी। इल्यूमिनेट ने टीक्यू के एक प्लेयर को डाउन किया। टीक्यू यहां पर दो दो जगह थर्ड पार्टी चल रही है, बहुत ही अलग एंड बहुत ही डिफरेंट नजारा देखने को मिल रहा है। बट देन जैसे अगले 15 सेकंड में नया जोन बनेगा, वो जोन अगले 15 सेकंड में पूरा का पूरा दिक्कतें दे सकता है। एंड मेरे ख्याल से बहुत टीम्स को मूव करना पड़ेगा। एंड यूनिक अभी के लिए पेशेंस का गेम प्ले खेल रही है, बाहर से पुशिंग करना चाहेंगे उनके सामने। बीटीआर की टीम आ चुकी है, उनके पीछे यूडो की टीम है। यूडो के गिग ने यहाँ पे मेगा के स्टोन को नॉक किया एंड लक्सी ने यहाँ पे एक नेड करके यू नो शायद यूडो के दोनों प्लेयर्स को नॉक फिनिश करेंगे। ऑब्वियसली नीचे एक प्लेयर है जो नेट कुक कर रहा है यूडो के ड्रैक्स रैक्स पर, वो शायद ही कुछ कर पाएंगे। मीनवाइल सोल के क्लच गॉड ने यहाँ पे G9 को नॉक किया। RRQ वर्सेस सोल, वहां पे ARW के क्रेजी गॉड ने अर्नी को पिक ऑफ किया। क्लच गॉड वहां पे G9 का किल सिक्योर करते हुए TQ के मिस्टेक वहां पे सिनोर को नॉक करते हुए एंड मिस्टेक वहां पे फिनिश ऑफ करते हुए BTR के लक्सी BTR की टीम यहाँ पे चार किल के साथ जाना चाह रही है अंदर। एंड उन लोग को वहां पे जक्सी ने मेगा के स्टोन को पिक ऑफ कर चुका है, मेगा के स्टोन को फिनिश किया योर ड्रेक्स ने। यहाँ पे काफी सारे टीम्स फाइट कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे चिकन डिनर बात की बात है, पर यहाँ पे जो एक एक मूवमेंट करना, इंच इंच मूव करना काफी डिफिकल्ट हो चुका है। यूट के नॉक किया याशा को, ट्रेड काफी अच्छा चल रहा है। सोल वर्सेस टीम कैसो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। क्लच गॉड को पता है टीम कैसो के प्लेयर्स वहां पे होल्ड कर रहे हैं, क्लच गॉड यहां पे फाइट लेना चाहेगा। बट आई गेस यहां पे थोड़ा सा माहौल इंटेंस हो गया टीम कैसो के लिए। क्लच गॉड यहां पे हिट से ले रहा है, पीछे से रेगल्टोस अगर आके पूरी स्क्वाड वाइप कर देता है क्योंकि बहुत ही पहला अपॉर्चुनिटी है उसके पास। बाकी के जो दो टीम है उन लोग ऑलरेडी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। यूनिक के रोज यहां पे प्रोन्ड है एंड यहां पे C9 पायरा ने उसको पिक ऑफ किया। C9 पायरा अपनी टीम के लिए अकेले बचे हैं। यहां पे यूनिक थर्ड पार्टी हो रही है। टीम कैसो वर्सेस सोल, सबकी नजरें इस पे है, मेरी नजर इस पे है, ओशन तेरा नजर इस पे है। मुझे पता है ये फाइट से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सोल यहां पे ये फाइट अगर ले जाती है ये चिकन डिनर उनके लिए कोई नहीं रोक सकता। पर टीम कैसो के तीनों प्लेयर्स एक साथ घूम रहे हैं, सोल स्प्लिट ना करे, पुश करे तो चारों एक साथ करे एंड एक इजी स्क्वाड वाइप और एक बहुत ही बेहतरीन शानदार चिकन डिनर हो सकता है। क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में लग रहा है सारे प्लेयर्स बाहर की तरफ स्प्रेड आउट है, सबको कंपाउंड के अंदर आना होगा। सो आई गेस इस सिचुएशन में इस जो भी टीम कैसो सोल में फाइट जीतता है उनके पास एडवांटेज आएगा। मीनवाइल क्लच गॉड पीछे से आके आयला को नॉक ऑफ करते हुए एंड यहां पे टीम कैसो के मार्को और एक्सेल घबरा रहे हैं, घबराने की बात है। सामने है टीम सोल, टीम कैसो का मिस्टेक वहां पे ARW के ऊपर को नॉक करते हुए टीम AR यहां पे आउट होते हुए थम आ चुके हैं टॉप में। मिस्टेक पास के ले चुके हैं, क्लच गॉड आते हुए 1v3 करते हुए एंड यहां पे सुक्या बेहतरीन प्लेयर हमें देखने को मिला क्लच गॉड की तरफ से। एंड वहां पे क्लच गॉड शायद नॉक हो जाएगा क्योंकि उनको जोन के अंदर भागना है। क्लच गॉड यहां पे नॉक हो चुके हैं प्ले जोन से। C9 के पायरा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वाइपर नॉक्ड है, मॉर्टल काफी लो ऑन हेल्थ है, रेगल्टोस अकेले अपनी टीम के लिए बचा। ये गेम मुझे थोड़ा चेंज होते हुए दिख रही है। क्लच गॉड वहां पे फिनिश होते हुए टीम कैसो के मिस्टेक काफी अच्छे पोजिशन में है। C9 के पायरा सर्वाइव कर रहे हैं, रेगल्टोस ने वहां पे फिनिश ऑफ किया। अब इट्स अ 1v1 सिचुएशन, मॉर्टल बार हिल बैटल करना चाह रहे हैं। रेगल्टोस 10 HP मूव इन कर रहे हैं मिस्टिक पे, पर रेगल्टोस भी यहां पे नॉक होते हुए एंड मिस्टिक यहां पे इट्स अ 1v1v1 सिचुएशन। यूनिक ओल्ड बॉय यहां पे हील बैटल कर रहे हैं एंड वहां पे सोल हील बैटल कर रहा है, मॉर्टल हील बैटल कर रहे हैं एंड टीम कैसो के प्लेयर भी यहां पे हील बैटल करते हुए एंड यहां पे गेम खत्म हुआ। मुझे नहीं पता कौन जीता है एंड यहां पे सोल कमिंग अप विद अ चॉकलेट चिकन डिनर इन द थर्ड गेम ऑफ डे 1 एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। उनके चेहरे में खुशी देखे, वाह है माथुर, रेगल्टोस, वाइपर और क्लच गॉड कमिंग अप विद एन अमेजिंग चिकन डिनर। क्या बेहतरीन हील बैटल एंड ये खुशी, ये कॉन्फिडेंस देखे इनकी आंखों में, ये इनको पता कितना मोटिवेट करेगा डे 1 के तीसरे गेम में, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम से चिकन डिनर।